हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2019 के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट की। दोस्तों, आज हम तीसरा सेट पेपर यहां पर कंप्लीट करेंगे और आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा 2019 की प्रथम पाली में ये सेट पूछा गया था और इस सेट से आज हम जीके जीएस के लगभग 50 प्रश्न यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2019 प्रथम पाली 18-1 थर्ड सेट क्वेश्चन नंबर एक है। दोस्तों, खेल में FILA संगठन किस से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4, यानी कि कुश्ती। तो देखिए, कुश्ती के लिए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एक अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। इससे पहले FILA है, ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डेल लुट्स एसोसिएशन के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों चीन। कौन सा है? चीन। फॉर्मूला वन में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडों का इस्तेमाल किया जाता है। पीला झंडा क्या दर्शाता है? तो देखिए, फॉर्मूला वन जो रेसिंग होती है उसके अंदर पीला झंडा जब दिखाते हैं तो उसका मतलब क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन 4, खतरा। देखिए, या तो खतरा है आगे रेस में ट्रैक पर जहाँ ये कार चल रही है, या फिर वो संकेत करता है कि धीमा होने का, स्पीड को अपनी स्लो करने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? तो देखिए, मध्य प्रदेश में आपका इनमें से ऑप्शन 2 बोरी वन्य जीव अभ्यारण। ठीक है, अब चलो आगे बात करते हैं। मानस ये कहाँ है? असम में। बांदीपुर कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। ठीक है, और बांदीपुर कर्नाटक में है, और इंद्रावती कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? सही आंसर है चेरोकन। ठीक है, चेरोकन। और आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य बहुत पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या होता है? तो सेंधा नमक का अपवर्तनांक होता है दोस्तों ऑप्शन 2 1.54। ठीक है, 1.54। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में है? तो ये है दोस्तों कर्नाटक में। ठीक है, देखो, कर्नाटक के विजयनगर जिले के हम्पी में स्थित है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बारावती स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो बारावती स्टेडियम उड़ीसा में है ये। ठीक है, और उड़ीसा का शहर कौन सा जहाँ पर ये बना हुआ है? तो कटक में है, उड़ीसा के कटक में, और ये एक क्रिकेट का स्टेडियम है। एशियाई खेल 2018 में भारत द्वारा जीते गए कुल पदकों की संख्या क्या थी? सही आंसर है ऑप्शन 4, 69। ठीक है, देखिए, 18वां एशियाई खेल इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेम बाग में आयोजित हुआ था, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3, असम। ठीक है, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन से हैं? तो देखो, मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और द्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ठीक है, देखिए, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? देखिए, विशालकाय ग्रह का मतलब है बड़ा ग्रह। ठीक है, तो सही आंसर है बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति को विशालकाय ग्रह कहा जाता है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, सिडबी का मुख्यालय दोस्तों ये स्थित है आपके लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। सिडबी इसको बोलते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ठीक है, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी।
विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम है दोस्तों नियासिन, ठीक है, नियासिन। और ये पानी में घुलनशील विटामिन है, इसको भी याद रखिएगा, विटामिन बी थ्री। कुवैत की मुद्रा का नाम क्या है? तो कुवैत की मुद्रा का नाम है दोस्तों दीनार, ठीक है, क्या नाम है? कुवैती दीनार। और इसकी राजधानी क्या है कुवैत देश की? तो राजधानी है कुवैत सिटी, ठीक है, कुवैत सिटी। ऋग्वेद क्या है? क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ऋग्वेद क्या है? तो सही आंसर है वैदिक संस्कृत मंत्रों का संग्रह है ऋग्वेद, ठीक है। वेद जिसका अर्थ है ज्ञान, हिंदू धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ है ये, ठीक है। और ऋग्वेद की बात करें दोस्तों तो ये सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें 1028 मंत्र हैं जिन्हें 10 मंडल नामक 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। हरिद्वार शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरिद्वार शहर, तो हरिद्वार शहर है दोस्तों गंगा नदी के किनारे। अब देखिए गंगा नदी के किनारे जितने भी शहर हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से हैं? तो हरिद्वार गंगा नदी किनारे है, कानपुर है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, पटना है और भागलपुर है, ठीक है, सभी गंगा के किनारे हैं ये। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन कट रहा है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगा इसका। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1974 से 79, ठीक है, 79। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, सही आंसर है प्रावधान, ठीक है, प्रावधान। हाइड स्पीच की लड़ाई आयोजित की गई थी, तो देखिए हाइड स्पीच का युद्ध कब हुआ ऐसा कह रहा है ये, तो सही आंसर है ऑप्शन दो, 326 ईसा पूर्व, ठीक है, किसके बीच? तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच इसको लड़ा गया था। बौद्ध धर्म में लोटस और बुल यानी कि बैल और कमल, ठीक है, कमल और बैल यानी कि लोटस और बुल प्रतीक क्या दर्शाते हैं? राइट आंसर है जन्म, ठीक है, जन्म। तो देखिए बुद्ध के जीवन की सभी घटनाओं को एक प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है, बुद्ध का जन्म कमल और बैल का प्रतीक है। उनके पहले उपदेश को बोधि वृक्ष और स्तूप के साथ उनके निर्वाण को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, कौन एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी UNDP और 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, समावेशी विकास, ठीक है, समावेशी विकास। FDI का विस्तार क्या है? FDI का विस्तार क्या है? तो FDI का विस्तार है तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को किस रूप में जाना जाता है? सही आंसर है क्रस्ट, क्या कहते हैं इसको? क्रस्ट। सल्फर के लिए प्रतीक क्या है, यानी कि सल्फर का प्रतीक क्या होता है? तो सल्फर एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक होता है दोस्तों S, ठीक है, और इसका परमाणु क्रमांक एग्जाम में पूछा जाता है, परमाणु क्रमांक है इसका 16, कितना? 16। भारत का एक विधि आयोग है, भारत का एक विधि आयोग एक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, गैर वैधानिक सलाहकार निकाय। चड्डा कप किस खेल से संबंधित है? चड्डा कप तो ये है दोस्तों बैडमिंटन से, ठीक है, बैडमिंटन के और भी कुछ कप हैं जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि थॉमस कप, अग्रवाल कप, चड्डा कप और दीवान कप, ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? थॉमस कप, ये भी बैडमिंटन का एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है? सही आंसर इसका ऑप्शन 3, खानदेशी, ठीक है, बाकी सभी देखो बोडो, पंजाबी, असमिया ये आधिकारिक राज्य भाषा हैं, खानदेशी क्या है फिर ये? तो मध्य भारत का एक भौगोलिक क्षेत्र है जो महाराष्ट्र राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग का निर्माण करता है, ठीक है, खानदेशी इसी क्षेत्र की एक बोली है। इयोन जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़े हैं? इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, याद रखिएगा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये एक ऑस्ट्रेलियाई तैराक हैं, ठीक है, रिटायर हो चुके हैं, इनकी सेवा निर्मित हो चुके हैं, ये ऑस्ट्रेलियाई तैराक है ये। बिपिन चंद्र पॉल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? सही आंसर इसका ऑप्शन 1, न्यू इंडिया साप्ताहिक, ठीक है।
देखिए, बिपिन चंद्र पॉल ने भारत में एक क्रांतिकारी विचारकों के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। उन्होंने डेमोक्रेट और इंडिपेंडेंट पत्रकारों का भी संपादन किया है, ठीक है, और साथ ही साथ न्यू इंडिया इन्हीं की पत्रिका है। अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच कितने से कम हो जाए, यानी कि पीएच मान कितना कम हो जाए कि अम्लीय वर्षा होने लगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 5.6, 5.6 से जब पीएच मान कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा होने लगती है। किसी दिए गए क्षेत्र के पशु जीवन को क्या कहा जाता है, सही आंसर है जीव, ठीक है, किसी दिए गए क्षेत्र के पशु जीवन को जीव कहा जाता है। असम का राज्य पक्षी कौन सा है, तो असम का राज्य पक्षी आपको बताना है। देखिए, इसका सही आंसर है सफ़ेद पंखों वाली बतख, ठीक है, 2003 में इसको मान्यता दी गई थी, ठीक है, सफ़ेद पंखों वाली बतख को असम का राज्य पक्षी का दर्जा मिला था। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, राइट आंसर है काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल। देखिए, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, याद रखना 2001 से शहर पर यानी कि इसी शहर पर नाटो सहित बलों के एक गठबंधन का कब्जा था, लेकिन अगस्त 2021 में काबुल पर तालिबान लड़ाकों ने इस पर कब्जा कर लिया। कौन सा व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता, यानी कि दूर की वस्तुओं को सही से नहीं देख सकता, तो इसको कौन सा रोग है ये पूछ रहा है आपसे। तो राइट आंसर है 4, यानी कि निकट दृष्टि दोष, ठीक है, दूर की वस्तु इसको नहीं दिख रही है, उल्टा है, देखो दूर की नहीं दिख रही इसे, यानी कि निकट की दिख रही है, तो निकट दृष्टि दोष है इसे, ठीक है, इसको मायोपिया भी कहते हैं। संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तास किस राज्य से संबंधित हैं, राइट आंसर है इसका ऑप्शन 2, असम, ठीक है, असम। देखिए, जून 2019 से राज्यसभा में संसद सदस्य हैं ये, क्या नाम है, कामाख्या प्रसाद तासा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक आपसे पूछे जा रहे हैं यहाँ पर, ब्रह्म समाज के संस्थापक है दोस्तों राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, ठीक है। 1828 में इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की जो बाद में ब्रह्म समाज बना, पहले 1828 में क्या नाम था, ब्रह्म सभा थी वो, फिर ये बाद में ब्रह्म समाज बना। संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे, राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार की एसआई इकाई क्या है, इनकी एसआई मात्रक, तो कार का एसआई मात्रक होता है दोस्तों जूल, साथ ही साथ याद रखना कार और ऊर्जा दोनों का ही जूल होता है, ठीक है, ऊर्जा अगर आ जाए, ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो वो भी जूल है, और दोनों की बेमा भी एक सी होती है। बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या क्या है, तो बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या होती है 19 जोड़ी, कितने जोड़ी, 19 जोड़ी। राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है, दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं ये। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है, ऐसा भी कह सकता है एग्जाम में कि सुंदरबन अभ्यारण कहाँ पर है, ठीक है, बायोस्फीयर एक ही चीज़ है, रिजर्व कहाँ पर है ये, तो ये पड़ता है दोस्तों आपके पश्चिम बंगाल में, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है, एलोरा गुफाएं ये हैं दोस्तों महाराष्ट्र में, कहाँ पर, महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में है ये, यहाँ पर 34 गुफाओं का एक समूह है जिसमें 17 ब्राह्मणवादी, 12 बौद्ध और 5 जैन गुफाएं हैं। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या है, तो भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु है 35 वर्ष, कितनी, 35 वर्ष होना चाहिए कम से कम। नागालैंड की राजधानी कौन सी है, तो नागालैंड की राजधानी को कोहिमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्या कहते हैं, कोहिमा कहते हैं इसको। भारत का आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है, भारत का आइंस्टीन किसको कहते हैं, ऐसा भी कह सकता है क्वेश्चन में, तो भारत का आइंस्टीन कहते हैं नागार्जुन को, किसको, नागार्जुन को। डल झील किस शहर में स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डल झील किस शहर में है, तो यह है श्रीनगर में, कहाँ पर, श्रीनगर में। वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर है नितिन जयराम गडकरी, ठीक है, जो वर्तमान 7 वर्षों से अधिक समय से अपने कार्यकाल पर चल रहे हैं। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सही आंसर है ऑप्शन 2,
CH3COOH, ठीक है, CH3COOH एसिटिक अम्ल का एक कार्बनिक यौगिक भी है ये और इसका सूत्र भी है ये।